हेलो एंड वेलकम आज के नए रूट वर्ड में। आज का जो रूट वर्ड है वो है मोर्ट। मोर्ट एक लैटिन वर्ड मोरी का सब्स्टिट्यूट है जिसका मतलब होता है डेथ। अब इस रूट वर्ड से बने हुए वर्ड्स हम देखेंगे जिसमें से सबसे पहला वर्ड है एमोर्ट। इसमें रूट वर्ड है मोर्ट तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं डेथ से होगा। तो इस वर्ड का मतलब हुआ बीइंग एट द पॉइंट ऑफ डेथ, मरने के एकदम करीब होना। अगला वर्ड है हमारा मोरीबंड। इसमें भी देखिए हमारा रूट वर्ड है MORI मोरी जिसका मतलब डेथ से रिलेटेड होगा। तो मोरीबंड का मतलब हुआ ऑफ ए पर्सन एट द पॉइंट ऑफ डेथ, हिंदी में बोलते हैं मरणासन, मतलब मरने के एकदम करीब। तीसरा वर्ड है मोर्टल। इसमें भी देखिए रूट वर्ड है MORT मोर्ट जिसका सेंस कहीं ना कहीं डेथ से ज़रूर होगा, मरने से होगा। तो मोर्टल का मतलब सभी जानते हैं सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब जो पैदा हुआ है वो कभी ना कभी तो मरेगा, तो उसका सेंस होता है मोर्टल, वो मोर्टल कहते हैं उसको। मोर्टल का एंटोनिम होता है, अपोजिट होता है इमोर्टल। मतलब इमोर्टल क्या होता है, वो जो कभी ना मरे उसको इमोर्टल बोलते हैं। इसी में नेक्स्ट वर्ड है मॉर्टिशियन। इसमें भी देखिए दो रूट वर्ड हैं, पहला है मॉर्ट, दूसरा है शियन। किसी भी वर्ड में अगर मॉर्ट लग जाएगा तो हम जानते हैं वो कहीं ना कहीं डेथ से रिलेटेड होगा। और किसी न किसी और किसी भी वर्ड में अगर CIAN सीएन लग जाएगा तो नाउन से होगा, वो नाउन होता है और कुछ करने वाला होता है। जैसे अगर मैजिक करने वाला है तो मजिशियन हुआ, म्यूज़िक बनाने वाला है तो म्यूजिशियन हुआ, वैसा। तो मॉर्टिशियन का मतलब होता है एन अंडरटेकर। अंडरटेकर मतलब अंडरटेकर हिंदी में उसको बोलते हैं जो कि ताबूत बनाता है या फिर जो मरने के बाद जो अंतिम प्रक्रियाएं होती हैं उनकी जो तैयारियां करता है उसको अंडरटेकर बोलते हैं। इसी वर्ड से रिलेटेड हम दो नई चीज़ें बता देते हैं कि दो चीज़ें होती हैं ताबूत। ताबूत दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैस्केट, दूसरा होता है कॉफिन। दोनों में फ़र्क ये है, आप सीधे सीधे फोटो में देख सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। ये थोड़ा रेक्टेंगुलर होता है और इसमें थोड़ा कर्व होता है, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा इसमें कैस्केट और कॉफिन में क्या फ़र्क है। इसी लाइन में एक और नया वर्ड है, आपको बता देता हूँ, पॉल बियरर। पॉल बियरर वो होता है जो कि अर्थी को कंधा देता है, उसको इंग्लिश में पॉल बियरर बोलते हैं। अगला वर्ड है हमारा मॉर्टिफेरस। मॉर्टिफेरस में भी देखिए दो रूट वर्ड हैं, पहला मॉर्टी, दूसरा OUS। किसी भी वर्ड में अगर OUS लग जाता है तो वो एडजेक्टिव होता है और जिसको हम दूसरे सेंस में बोल सकते हैं कि फुल ऑफ। तो मॉर्टिफेरस मतलब हुआ कि डेडली या फैटल, मतलब मृत्युकारक या फिर प्राणघातक हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मरेन। इसमें भी देखिए रूट वर्ड है हमारा MUR, MORT से ही बना है MUR मरेन। ये इसका मतलब होता है एन इन्फेक्शस डिजीज़ अफेक्टिंग कैटल और अदर पीपल, सॉरी एनिमल। ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि जानवरों में होती है और काफ़ी फैटल होती है, जानवरों की काफ़ी मौत हो जाती है, एक संक्रामक रोग होती है, उसको मरेन बोलते हैं। स्पेशली ये कैटल्स या एनिमल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीमोर्टियंट। इसमें भी देखिए दो रूट वर्ड है, एक है प्री, दूसरा है मॉर्ट। मॉर्ट का मतलब हम जानते हैं डेथ से रिलेटेड होगा। और जो दूसरा वर्ड है प्री, प्री अगर किसी भी वर्ड में लगा होगा तो उसका मतलब होगा वो पहले। तो प्री मॉर्टियंट का मतलब हुआ जस्ट बिफोर डेथ, मरने के जस्ट पहले। प्री से और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं कि प्रीमॉर्डियल भी होता है, उसका भी मतलब होता है मरने से जस्ट पहले। तो ये है प्री मॉर्टियंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्सीमोर्शिया। इसमें भी देखिए मॉर्ट वर्ड लगा है, तो ऑक्सीमोर्शिया का मतलब होता है ए सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ, मतलब हम सोच भी नहीं सकते होते हैं और अचानक से किसी की डेथ हो जाती है, उसको ऑक्सीमोर्शिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोस्टमार्टम। सभी लोगों ने अपनी लाइफ में मिनिमम एक बार तो इस वर्ड को ज़रूर सुना होगा। अब हम बता देते हैं, इसमें देखिए तीन वर्ड हैं, तीन रूट वर्ड से मिलके बनाइए। पहला है पोस्ट, दूसरा मॉर्ट, तीसरा टेम। जिसमें से पोस्ट का मतलब होता है बाद से रिलेटेड, और मॉर्ट का मतलब होता है डेथ से रिलेटेड, और टेम का मतलब होता है कट। किसी भी वर्ड में अगर पोस्ट लगा होगा तो वो बाद से रिलेटेड होगा, मॉर्ट लगा होगा तो आप जानते हैं डेथ से रिलेटेड होगा, और अगर टेम लगा है तो कटने से रिलेटेड होगा। तो पोस्टमार्टम क्या होता है, मरने के बाद जो शरीर को काटा पीटा जाता है उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम, अकरिंग और डन आफ्टर डेथ। टेम या टॉम कहीं भी लगा होगा तो कट से रिलेटेड होगा। इसी से दो तीन वर्ड और हैं, एनाटॉमी, ऑटोटॉमी और एक्टॉमी। तीनों ये बायोलॉजिकल वर्ड हैं, ये अक्सर सर्जरी वगैरह में इसको इस्तेमाल किया जाता है। एनाटॉमी वो होता है कि किसी की बॉडी को उसके उसके अलग अलग पार्ट्स को काट के उसकी जांच करना,
स्पेशली स्टडीज से रिलेटेड होता है। ऑटोटॉमी होता है जब कोई जानवर होता है, जैसे लिजर्ड होती है जब वो खतरे से बचने के लिए खुद की पूंछ वगैरह काट देती है, तो उसको ऑटोटॉमी बोलते हैं। और तीसरा वर्ड होता है एक्टॉमी, ये भी एक बायोलॉजिकल वर्ड है, ये सर्जिकल वर्ड्स है, वर्ड्स की लिस्ट में आता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटेमॉर्टम। इसमें भी देखिए तीन रूट वर्ड है, एंटे, मॉर्ट और टेम। मॉर्ट का मतलब हम जानते हैं, टेम का मतलब भी कट से होता है, एंटे मतलब पहले। किसी भी वर्ड में अगर एंटे लगा होगा तो उसका सेंस कहीं ना कहीं पहले से होगा। तो एंटेमॉर्टम का मतलब हुआ अकरिंग और परफॉर्म्ड बिफोर डेथ, ऐसी प्रक्रियाएं जो मौत से पहले की जाती हैं उनको एंटेमॉर्टम बोलते हैं। एंटे से रिलेटेड और भी वर्ड है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब टाइम को डिनोट किया जाता है तो AM या PM से डिनोट किया जाता है, उसी में जो AM होता है उसको हम एंटे मेरिडियन बोलते हैं। एंटे मतलब 12 बजे के पहले जो वाला टाइम होता है उसको एंटे बोलते हैं। तो आपको एंटे से पता चल गया होगा कि किसी भी वर्ड में अगर एंटे लगा होगा तो वो पहले से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉर्ग। मॉर्ग एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं, जैसे इसमें भी देखिए रूट वर्ड है मॉर्ग। तो मॉर्ग ऐसा प्लेस है जो फ्रोजन एक चैम्बर होता है, बर्फीला चैम्बर होता है, जिसमें डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उनको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि वो फर्दर स्टडीज़ में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काम आए या फिर और भी जो काम होते हैं। ये पर्टिकुलरली हॉस्पिटल्स में होते हैं मॉर्ग। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड है मॉर्चरी। इसमें भी देखिए मॉर्ट रूट वर्ड लगा है, तो मॉर्चरी का मतलब होता है वह डेड बॉडीज़ आर। यहाँ भी वही सेंस होता है, ये भी सेम चीज़ होती है जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं, बस फ़र्क दोनों मॉर्ग और मॉर्चरी में फ़र्क ये होता है कि वो हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो सर्जिकल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो मॉर्चरी होती है वहाँ पे जो डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं वो फ्यूनरल के लिए रखी जाती हैं, कि बहुत लोग होते हैं जिनकी बॉडी वगैरह मॉर्चरी में रखी जाती है, वो फर्दर उसके बाद उनका क्या होना होता है, उनका फ्यूनरल होगा। जबकि मॉर्ग में ऐसा नहीं होता, वो हॉस्पिटल्स के लिए होते हैं, और जो मॉर्चरी होती है वो प्राइवेट भी हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है इसे हमारा मॉर्टिफिकेशन। इसमें भी देखिए दो रूट वर्ड है, मॉर्ट पहला तो हम जानते हैं, तीसरा TION। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TION लग जाएगा तो वो नाउन होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कभी कभी एग्जाम में आता है पूछने के लिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TION लगा होगा तो वो नाउन होगा हमेशा। तो मॉर्टिफिकेशन का दो मतलब होता है, पहला अ सेंस ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड शेम कॉज बाय समथिंग दैट वुंड्स समवन्स प्राइड और सेल्फ रेस्पेक्ट। कभी कभी क्या होता है, हम हिंदी में बोलते हैं कि शर्म के मारे मर जाना, सेम इंग्लिश में उसको मॉर्टिफिकेशन ही बोलते हैं। और दूसरा जो होता है कि द सब्जेक्शन और डिनाइल ऑफ बॉडीली पैशंस एंड एपेटाइट्स बाय एब्सटेनेंस और सेल्फ इन्फ्लेक्टेड पेन और डिस्कम्फर्ट। कभी कभी क्या होता है, जो ये साधु संत वगैरह होते हैं वो अपनी इच्छाओं का, जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, जो भी उनकी एपेटाइट्स होते हैं, वो उनको मार देते हैं। क्यों? ताकि वो अपने जो उनका इनर इन्फ्लिक्ट होता है उससे छुटकारा पा सकें। तो अपनी इच्छाओं को, जो वर्चुअल इच्छाएं होती हैं मतलब बाहरी दुनिया के लिए, वो उनको मार देना, उसको मॉर्टिफिकेशन बोलते हैं। इसी से एक और रिलेटेड वर्ड होता है सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। सेल्फ मॉर्टिफिकेशन भी इसी सेंस में होता है कि अपनी सभी इच्छाओं को मार देना, ताकि वो अपना एक एसेटिक लाइफ जी सकें। और इसी में हम इस जो भी वर्ड्स हमने सीखे हैं उनको एक बार फिर से हम समराइज़ कर लेते हैं। पहला वर्ड था एमॉर्ट, दूसरा मॉरिबंड, तीसरा मॉर्टल, चौथा मॉर्टिशियन। एमॉर्ट क्या था? एट द पॉइंट ऑफ डेथ। मॉरिबंड था, मॉर्टल था, मॉर्टिशियन था, मॉर्टिफेरस, मॉर्टिफिकेशन, मरीन, ऑक्सीमॉर्शिया, मॉर्चरी एंड प्री मॉर्टियन, पोस्ट मॉर्टम, एंटेमॉर्टम, मॉर्ग। जिसमें से सभी का वर्ड एक बार से मैं फिर से बता देता हूँ। मॉरिबंड ये भी सेम होता है कि एट द पॉइंट ऑफ डेथ, जब इंसान कोई मरने के करीब होता है। मॉर्टल होता है जो कभी ना कभी ज़रूर मरेगा। मॉर्टिशियन वो होता है जो कि ताबूत वगैरह तैयार करता है। मॉर्टिफेरस मॉर्टिफिकेशन अभी आपने पढ़ा। मरीन एक बीमारी होता है जो कि स्पेशली कैटल और एनिमल्स में पाया जाता है। ऑक्सीमॉर्शिया जो कि अनएक्सपेक्टेड डेथ होती है। मॉर्चरी जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं फ्यूनरल के लिए। प्री मॉर्टियन, प्री मतलब मरने से जस्ट पहले। पोस्टमार्टम मरने के बाद जो प्रक्रियाएं होती हैं काट पीट की, वो होता है पोस्टमार्टम। एंटेमार्टम वो होता है मरने के पहले करने वाला। और मॉर्ग जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं स्पेशली हॉस्पिटल्स के लिए। तो ये रूट वर्ड की सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले रूट वर्ड के साथ अगली वीडियो में। इसके लिए अगर आपको प्रॉपर स्टडी अगर करनी है रूट वर्ड्स की, तो हमारी प्लेलिस्ट को विज़िट करिए, जिसमें आपको डेली नए नए रूट वर्ड्स के साथ और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।